नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आज आप सभी नर्सेज के लिए एक नई नर्सिंग भर्ती लेके आ गया हूँ। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फीस अप्लाई करने के लिए आपको देनी नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देना, कहीं भी स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबाकर जो ऑल का नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक कर लो, ताकि नर्सिंग ट्रेंड के आगे आने वाले अपडेट को आप कभी मिस नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी को निकाला है एम्स भोपाल ने। सबसे पहले आपको गूगल में एम्स भोपाल टाइप करना है, ये साइट आपको दिखाई दे जाएगी। इस साइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस साइट पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एम्स भोपाल की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी और उसका होम पेज है वो आपके सामने इस तरह का दिखाई दे जाएगा। ये एम्स भोपाल की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पे टैब है वो बने दिखाई दे रहे हैं। आपको वैकेंसी के टैब के अंदर चले जाना है। मैं वैकेंसी के टैब पे आपके सामने क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे वैकेंसी के टैब पे क्लिक करते ही और अलग अलग टैब है वो अपने सामने ओपन हो जाएगा। जैसे जॉब एडवर्टाइजमेंट है, जॉब अंडर प्रोजेक्ट, अपने को जॉब अंडर प्रोजेक्ट की जो वैकेंसी है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये प्रोजेक्ट की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाली वैकेंसी है, लेकिन एम्स भोपाल की वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए है। तो आपको वीडियो बनाकर सूचित करना यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर 205 नंबर की जो वैकेंसी है इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, 28 मार्च 2000 को ही ये एडवर्टाइजमेंट है वो आया है। ऑनलाइन फॉर्म आप इसमें यहाँ पे सेंड कर सकते हैं और 7 अप्रैल 2022 तक आपको अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। नोटिफिकेशन को है वो डाउनलोड कर लेना है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आ गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स भोपाल की ये वैकेंसी है। यहाँ पे 19/3/2022 को नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। कोई भी फीस आपकी इस वैकेंसी में नहीं लगने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल अपना एक सीवी बनाना है कवरिंग लेटर के साथ और उसको 7 अप्रैल 2022 तक जो मेल आईडी मैं बता रहा हूँ उसके साथ सेंड कर देना है। इसमें एमबीबीएस डॉक्टर की भी पोस्ट है और नर्स की भी पोस्ट है, अपने सिर्फ यहाँ पर जो नर्स की पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एम्स भोपाल है उसने रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ये एक है वो इंस्टीट्यूट स्थापित किया है वो डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एम्स भोपाल के साथ सपोर्ट में, उसके लिए ही यहाँ पे है वो ये वैकेंसी निकाली गई है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है देख लेते हैं। सीवी बनाने लगा है, उसके बाद में यहाँ पे जो मेल आईडी घेरे में दिखाई दे रही है इस पर 7 अप्रैल तक आपको सेंड कर देना है अपना फॉर्म। उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन भी बहुत इजी है, वो भी आगे बता देते हूँ। दोस्तों, अब अपने बात कर लेते हैं पोस्ट क्या है। तो पोस्ट यहाँ पे टोटल है वो स्टाफ नर्स की पोस्ट होगी। टोटल 2 पोस्ट होने वाली है। 20,000 रुपये आपको NUHM की तरफ से पेमेंट है वो मिल वाला है। 2 पोस्ट है, 20,000 आपको पेमेंट मिलने वाला है। अब यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? फीमेल कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स जिनके 55% मार्क्स है टोटल डिग्री में और 2 साल का एक्सपीरियंस है पीडियाट्रिक में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको 80 मार्क्स है वो दिए जाएंगे, टोटल वेटेज दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर आपको टर्सरी लेवल पर NICU या PICU में काम करने का अनुभव है तो 10 मार्क्स और अलग से दिए जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर भोपाल के डोमिसाइल है तो 10 मार्क्स और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स बनाकर है वो सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपका कोई भी इंटरव्यू भी नहीं है, बस अगर जिन लोगों का सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, फीमेल कैंडिडेट्स है, 55% उनकी डिग्री में मार्क्स है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, NICU PICU में एक्सपीरियंस है, तो उनकी ज़्यादा संभावना है, और भोपाल का कैंडिडेट्स है तो उनकी ज़्यादा संभावना यहाँ पे है। बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों रहने वाली है। आयो पूरी इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। इस वैकेंसी के अलावा या इस वैकेंसी के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट लेकर, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।